हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट राइट सो जब एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है तो उसमें कितनी कैजुअलिटी होने के चांसेस हो सकते हैं उसका एसेसमेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि अप्रूव्ड है एंड अभी भी उसको यूज़ किया जाता है सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट राइट सो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट इसमें हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं इट इज़ असेसमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ ड्रग ट्रीटमेंट एंड दक्योरेंस ऑफ एन एडवर्स इवेंट सो जब भी कोई एडवर्स इवेंट होता है उसका जो ट्रीटमेंट हुआ है ड्रग का इन दोनों के बीच में क्या संबंध है इसको जब हम एसेस करने की कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ़ कैजुअलिटी मेथड ऑफ़ मेथड इन कैजुअलिटी असेसमेंट राइट तो इसमें एक्चुअली ये क्या है इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ़ एडीआर रिपोर्ट ये बहुत ही जरूरी पार्ट होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट के लिए एंड इम्पॉर्टेंट टास्क कंडक्टेड बाय नेशनल फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम इन ईच एंड एवरी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वाइड राइट जहाँ कहीं भी फार्माको विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस है उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इससे ही हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे एज्यूम कर पाएंगे और उसके हिसाब से एक्शन लिया जा सकता है कमिंग टू द मेथड्स देर आर थ्री मेथड्स सो इसमें uh, तीन मेथड है एक्सपर्ट जजमेंट्स और ग्लोबल इंट्रो इंट्रोस्पेक्शन दूसरा है एल्गोरिथम्स तीसरा है प्रोबे प्रोबेबलिस्टिक मेथड्स और इट इट इज़ ऑल्सो एस बेंसियन अप्रोचेस राइट सो ये तीन मेथड को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे आप बने रहिए वीडियो के साथ फर्स्ट मेथड है एक्सपर्ट जजमेंट बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा इसको क्योंकि जब हम इसको समझ पाएंगे तभी हम इसको ठीक से लिख पाएंगे ठीक है जैसे कि नाम से इंडिकेट है एक्सपर्ट जजमेंट सो ग्लोबल इंट्रोसेप्शन राइट सो इसमें क्या होता है दीज आर इंडिविजुअल असेसमेंट्स बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज राइट एक्सपीरियंस इन द फील्ड यूजिंग नो स्टैंडराइज टूल टू अराइव एट कंक्लूज रिगार्डिंग दी कैजुअलिटी जब भी कोई कैजुअलिटी हो जाता है मोर्टैलिटी हो जाता है किसी का डेथ हो जाता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन्स की दौल बदौलत और उसके द्वारा तो इसमें क्या होता है एक असेसमेंट किया जाता है और उस वो असेसमेंट होता है प्रीवियस नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग और इस तरह से ये दवाई दिया गया था इस कंट्री में तो इस तरह से सिम्टम्स आए थे और बाद में उसका डेथ हो गया इस तरह से प्रीवियस नॉलेज जो भी होता है या एक्सपीरियंस इन द फील्ड और किसी भी डॉक्टर या फिजिशियंस का जो भी एक्सपीरियंस होता है या टीम का यूजिंग नो स्टैंडाइज ए टूल टूल यहाँ पे कुछ नहीं होता सिर्फ एक्सपीरियंस काम आता है कि हाँ हमने यहाँ पे यह ऐसा देखा था कि उसको uh, सांप ने काट लिया था बाद में वो पॉइजन बढ़ते गया और इस तरह से सिम्टम आया बाद में उसके मुंह से फोम आया और वो मर गया है ना तो उस तरह से एक्सपीरियंस uh, से जब एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं उस कैजुअलिटी के लिए वो इस, इस चीज़ को बोला जाता है एक्सपर्ट जजमेंट और एक्सपर्ट द्वारा और जो भी आ, मतलब आ, उसके ऊपर एक्सपीरियंस है वो इस पर बात करते हैं ठीक है इसके अंतर्गत दो मेथड हम देखने वाले हैं फर्स्ट है स्वीडिश मेथड बाय विल होल्म ठीक है ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है तभी हम इसको लिख पाएंगे ठीक है तो ये हेडिंग हेडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्वीडिश एस डब्ल्यू ई डी आई ए स्वीडिश मेथड बाई विल होल्म डब्ल्यू आई एल एच ओ एल एम राइट तो ये इसको याद रख लेना और एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना इसके अंतर्गत फाइव सेवन पॉइंट्स हैं ये सेवन पॉइंट्स अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करेंगे जब भी हम कब कुछ असेसमेंट करते होते हैं इस मेथड के अंतर्गत तो उसमें क्या होता है फर्स्ट टेम्पोरल सिक्वेंस जो भी सिक्वेंस है क्या क्या हुआ कैसे कैसे हुआ उसको हम लोग लिखते जाएंगे प्रीवियस इंफॉर्मेशन ऑन द ड्रग वो ड्रग का क्या रिकॉर्ड uh, है वो किस तरह से साइड इफ़ेक्ट देता है क्या क्या है उसको लिखेंगे डोज रिलेशनशिप कितने डोज में दिया गया था टू फिफ्टी एम जी फाइव और उससे ज़्यादा कौन सा रूट था रिस्पॉन्स पैटर्न टू ड्रग क्या रिस्पॉन्स पैटर्न था पहले क्या हुआ नौसिया वोमिटिंग डिजीनेस बॉडी पेन स्वेटिंग एक्सेट्रा री चैलेंज जो कि हम देख चुके हैं री चैलेंज रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन राइट तो उसमें री चैलेंज uh, और उसके बाद अल्टरनेटिव इथियोलॉजिकल कैंडिडेट्स लाइक like, कुछ uh, uh, क्या एटियोलॉजिकल रिस्पॉन्स था बॉडी का और क्या क्या चेंजेस हुआ एंड uh, कॉन्कोमिटेंट ड्रग्स और उसके साथ में कौन कौन से ड्रग दिए गए और उसका कौन कौन सा सैनर्जिस्टिक और एंटागोनिज्म इफेक्ट हो सकता है इसको सीक्वेंस लिखने के बाद जब हम uh, एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे तो वो इस मेथड को इंडिकेट uh, करेगा दूसरा एक मेथड है और दूसरा एक वे uh, हो सकता है जिसको डब्ल्यू के यू ने दिया है डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएमसी उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ये क्या होता है कैसे होता है कैजुअलिटी असेसमेंट क्राइटेरिया सो इसके अंतर्गत फिर से फोर पॉइंट हमको याद रखना होगा फर्स्ट पॉइंट है टाइम रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग यूज एंड एडवर्स इवेंट जो भी ड्रग लिया गया और उस ड्रग के लेने के बाद कौन कौन से एडवर्स इवेंट हुई उसके रिलेशनशिप उसके संबंध को जब हम टाइम से जोड़ा जाता है और उसको एक फिगर आउट किया जाता है वो एक फर्स्ट पॉइंट हो सकता है इसमें सेकेंड पॉइंट यूएमसी सजेस्ट करता है एब्सेंस ऑफ अदर कॉम्पिटिंग कॉसेज राइट right. इसमें बहुत सारे चीज़ें हो सकते हैं कौन सा अदर ड्रग था कौन सा टाइम था कैसा फूड लिया जा रहा था अदर एजेंट अदर कॉस मतलब और क्या हो सकता है बंदे को कुछ दूसरा बीमारी तो नहीं था हाइपरटेंशन था शुगर था बीपी था क्या किस तरह का और कॉस हो सकता है उसके एब्सेंस को भी हम यहाँ पर एक्सक्लूड करते जाएंगे थर्ड पॉइंट हो सकता है रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग विदड्रॉल कई, कई बार कई बार बहुत सारे ड्रग चलते रहते हैं और उसको बंद कर दिया जाता है तो जब बंद कर दिया जाता है तो उसका भी इम्पैक्ट बॉडी पे रहेगा ठीक है डोज रिडक्शन और उसका डोज़ भी कम कर दिया जाता है लाइक शुगर में है बंदा टी टीवी में है या फिर हाइपर में है तो ये डी चैलेंज में हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको डी चैलेंज होता है दूसरा एक होता है रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग री एडमिनिस्ट्रेशन राइट तो री एडमिनिस्ट्रेशन जब हम बात करते हैं उसको री चैलेंज में रखा गया है तो ये चारों पॉइंट के आ, को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी भी कंक्लूजन पे अराइव होते हैं किसी कैजुअलिटी को असेस करने के लिए तो वो डब्ल्यू एच ओ यूएमसी असेसमेंट क्राइटेरिया में आता है ठीक है ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि एक्सपर्ट जजमेंट और ग्लोबल इंट्रोसेप्शन के अंतर्गत आता है दूसरा मेथड है एल्गोरिथम राइट right? सो so, इसमें एल्गोरिथम में हम इसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे होता क्या है एल्गोरिथम दीज आर सेट्स ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन हर जगह क्वेश्चन ही है ठीक है बट इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेगा विथ स्टैंड्राइज टूल वहाँ पे हम लोग नो स्टैंडराइज टूल की बात कर रहे थे यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन विथ एसोसिएटेड स्कोर्स राइट फॉर कैलकुलेटिंग द लाइटलीहुड ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ठीक है जो भी इंसिडेंट हुआ जो भी इवेंट हुआ एडवर्स रिएक्शन हुआ है ना उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन से उसको एक फ़िगर आउट करने की कोशिश किया जाएगा स्पेसिफिक क्वेश्चन से फिगर आउट किया जाएगा लाइक कैसा हुआ नौसिया हुआ वॉमिटिंग हुआ कौन सा ड्रग लिया गया है ना विथ एसोसिएटेड स्कोर और उसका स्कोर रहेगा तो बहुत सारे चेक लिस्ट रहेंगे और उसको उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हम एक फ़िगर आउट करेंगे कि कॉज इफेक्ट कॉज और इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप को ठीक है इसको बोलते हैं एल्गोरिथम इसमें ये होता है प्रॉब्लम स्पेसिफिक फ्लो चार्ट लाइक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस राइट कि वॉमिटिंग uh, हुआ नहीं हुआ नोशिया हुआ नहीं हुआ ड्रग सुबह लिया गया शाम लिया गया कौन से डोज में लिया गया हाउ टू अराइव एट एन आंसर कि यहाँ पर कोई चेंजेस तो नहीं हुआ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ उस तरह से है ना उसके बाद क्वेश्चन एयर्स हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेजन की उस पर्टिकुलर इवेंट का साइड इफेक्ट का क्या क्या चांसेस हो सकता है प्रोबेबिलिटी हो सकता है व्हेन एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज सस्पेक्टेड राइट तो इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है इसमें हमारे पास आठ मेथड हम यहाँ पे लिख पाएंगे एल्गोरिथम के अंतर्गत तो फर्स्ट तो है डेंगा माऊ डी एन जी ए यू एम ओ यू ठीक है डेंगा माउस फ्रेंच मेथड इसमें स्कोर्स आर ग्रुप्ड बहुत सारे स्कोर्स जो है उसको ग्रुप किया जाता है लाइकली पॉसिबल डोबियस इस पैटर्न में है ना इसमें सेवन क्राइटेरिया होता है एक होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक होता है सेमी सेमियोलॉजिकल ऑर्डर में सो क्रोनोलॉज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ड्रग चैलेंज डी चैलेंज रीचैलेंज जो हम देख चुके हैं रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग विड्रॉल ऑन रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग री एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसके बाद होता है दूसरा सेम्योलॉजिकल सेम्योलॉजिकल ऑर्डर में हम देख सकते हैं क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स देन फेवरिंग फैक्टर्स जो फेवर फैक्टर जो ड्रग को फेवर जिस इस इवेंट को फेवर फैक्टर जो क्या क्या हो सकते हैं है ना फूड के बाद पहले लिया बाद में लिया रेनी uh, सीजन में लिया एंड मेनी फैक्टर इट में भी ठीक है अल्टरनेटिव नॉन ड्रग रिलेटेड एक्सप्लेनेशन बहुत सारे नॉन ड्रग रिलेटेड एक्सप्लेनेशन हो सकता है खाने के पहले लिया गया खाने के बाद लेना था वगैरह वगैरह स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट भी कर सकते हैं पॉजिटिव टेस्ट नेगेटिव टेस्ट या फिर नो टेस्ट सो ये सब पैरामीटर को देख के जब हम एसेस करते हैं उसको डांगाउ माउ फ्रेंच मेथड में रखा है उसके बाद हमारे पास और सात मेथड है जो सात मेथड इसमें सेकेंड मेथड है आ, क्रामर एट ऑल मेथड राइट सो ये एक ग्रुप है एट ऑल जब हम लोग रिफ्रेंस में हम ये डालते हैं ये टर्मिनोलॉजी सो क्रामर सी आर ए एम ई आर क्रामर एट ऑल मेथड इट अप्लाइज टू सिंगल क्लीनिकल मैनिफेस्टेशन कोई भी एक सिंगल क्लीनिकल मैनिफेस्टेशन किसी एक ड्रग के एक क्लीनिकल पैरामीटर को जब हम एसेस करते रहेंगे तब इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं थर्ड मेथड वी कैन राइट नारैंजो एट ऑल मेथड एन ए आर ए एन जे ओ नारायण एट ऑल मेथड इसमें भी क्वेश्चनर्स टेबल होता है कि ये हुआ वो हुआ नहीं हुआ देन इसमें इसमें भी वही मतलब पास करेंगे क्रॉस करेंगे डिपेंड ऑन द ऑप्शन आंसर अपटेन बाई द पर्टिकुलर इवेंट फ्रॉम द पर्टिकुलर इवेंट बाई द पेशेंट एंड देयर टीम ठीक है फोर्थ होता है बैलेंस्ड असेसमेंट मेथड इसको हम दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं लेगियर एल ए जी आई ई आर एट ऑल ठीक है इसमें इवेलुएट केस रिपोर्ट दिस मेथड में हम केस uh, रिपोर्ट को इवेलुएट करते हैं फिफ्थ वन है सीबा जी जे मेथड और इट इज इट इज ऑल्सो एज वेनुलेट एट ऑल मेथड सो ये नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं इसको आप प्रैक्टिस कर सकेंगे इसमें ट्वेंटी थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है लाइक व्हाट इज़ द हिस्ट्री व्हाट इज़ द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री व्हाट इज़ द डॉक्टर हु इज़ द डॉक्टर हाउ हाउ द ट्रीटमेंट हैज़ गॉन एक्सेट्रा ठीक है ये ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन रहेंगे इसमें सिक्स मेथड uh, हम यूज कर सकते हैं लॉपी एटॉल मेथड एल ओ यू पी आई लॉपी एटॉल मेथड इसमें टेरेटोजेनिक पोटेंशियल ऑफ ड्रग को देखा जाता है कि ये ड्रग में ये पोटेंशियल है कि नहीं कि वो फेटस uh, को डिस्ट्रॉय कर सके और माल फॉर्मेशन ऑफ बेबी वेदर इट इज़ लीडिंग और नॉट वो सब देखा जाता है सेवंथ में हम रख सकते हैं रॉसेल्स यूक्लैफ़ कैजुअलिटी असेसमेंट मेथड इसको इसको हम बोलते हैं आर यू सी एम राइट एंड एर्थ वन इज़ मैरिया एंड विक्टोरिनो विक्टोरिनो एम एंड वी स्केल ये भी एक स्केल होता है डायग्नोसिंग ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजुरी डी आई एल आई डायग्नोसिंग ड्रग इंड्यूज लीवर इंजुरी जिसको हम uh, uh, मतलब एसेस करेंगे इन दिस मेथड राइट तो ये मेथड के नाम आप लोग याद रख सकते हैं जिससे इट विल बी इजी टू राइट योर आंसर इफेक्टिवली इफ़ यू गिव मोर नंबर ऑफ नेम योर आंसर इट विल बी मोर इम्प्रेसिव थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट अंडर दिस मेथड दैट इज द अंडर द असेसमेंट कैजुअलिटी असेसमेंट दैट इज द प्रोबैल प्रोबैलिस्टिक मेथड और इसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं बैंसियन अप्रोचेस ठीक है इसमें है दो हमारे पास ऑस्ट्रेलियन मेथड है ऑस्ट्रेलियन मेथड में क्या होता है कंक्लूजनस आर ड्रॉन फ्रॉम इंटरनल इविडेंस जो भी हम कंक्लूड कि किस वजह से ये कैजुअलिटी हो सकता है और हुआ या हो जाएगा उसको हम करते हैं लाइक उसका क्या टाइमिंग क्या है लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन क्या है उसके हिसाब से जो एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ कि इस वजह से हुआ है ना प्रीवियस नॉलेज ऑफ दी सस्पेक्टेड ड्रग प्रोफ़ाइल कोई भी ड्रग का एक प्रोफाइल होता है एक पास्ट होता है कि ये ड्रग जब लिया गया था तो इस तरह से साइड इफ़ेक्ट जनरली देखा गया है डिफरेंट रीज़न एंड डिफरेंट कंट्रीज़ तो उसके हिसाब से भी हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और हम बता पाएंगे कि ये ड्रग ऐसे लिया जाएगा तो ये कैजुअलिटी हो सकता है मोर्टालिटी हो सकता है एक्सेट्रा सेकेंड मेथड है इसमें प्रोबेलिस्टिक मेथड में दैट इज आल्सो नोन अस बैसियन एडवर्स रिएक्शन डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट बी ए आर डी आई राइट बैसियन एडवर्स रिएक्शन डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट इसको आप याद रख सकते हैं प्रैक्टिस करके इसमें फाइ एल आर होता है एल आर मीन्स लाइटलीहुड रेशियो वो कौन कौन से फाइ एल आर है फर्स्ट है पेशेंट हिस्ट्री इसको एच आई से डिनोट करेंगे टाइम ऑफ एडवर्स इवेंट इसको टी आई से डिनोट किया जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक सी एच फर्स्ट टू लेटर है ना इसमें भी यही एच आई टी आई सी एच ड्रग डी चैलेंज तो डी चैलेंज यहाँ पे मेन वर्ड है तो डी ई ड्रग री चैलेंज तो री चैलेंज यहाँ पे मेन वर्ड है तो फर्स्ट टू लेटर कैन बी टेकन ही अब इसको कैसे ड्रॉ करते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं यह हमारे पास होता है पोस्टेरियर ऑर्ट्स को हम फाइंड आउट करके हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं तो पोस्टीरियर ऑर्ट्स मतलब क्या होता है यहाँ पे जो भी लाइवलीहुड रेशियो है लाइक हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट टाइम ऑफ द एडवर्स इवेंट कैरेक्टरिस्टिक डी चैलेंज री चैलेंज ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वही हमारा असेसमेंट आंसर होगा इस पर्टिकुलर थिंग्स में राइट तो इस तरह से हम देख चुके हैं तीन मेन मेथड अंडर दिस अंडर दी मेथड्स ऑफ कैजुअलिटी असेसमेंट ये तीन मेथड के अंतर्गत जो भी इन फर्स्ट इज़ द एक्सपर्ट जजमेंट एंड ग्लोबल इंट्रोसेप्शंस ये आप याद रखना इसके अंतर्गत हमने दो मेन मेथड पढ़ा था वो स्वेडिश मेथड बाय विल एंड डब्ल्यू एच ओ यू एम सी कैजुअलिटी असेसमेंट क्राइटेरिया उसके बाद इन सेकेंड एग्लोरि एल्गोरिथ में सेवन में एट मेथड था डेंगाउस फ्रेंच कार क्रामर नारैंजो बैलेंस्ड एसेसमेंट सीबा जय जी मेथड लोपी रॉसेल्स यूक्लेफ मारिया एंड विक्टोरिनो राइट तो ये देख सकेंगे एंड थर्ड में दो मेथड है प्रोबेलिस्टिक मेथड में ऑस्ट्रेलियन मेथड एंड बाइसियान एडवर्स रिएक्शन डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट बी ए आर डी आई right so this you can remember uh, this uh, particular notes it will be available in the uh, telegram channel from there you can download the link will be there in the description thank you